वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं कुतुब मीनार, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज हम आए हैं कुतुब मीनार, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, बहुत भीड़ हुई पड़ी है क्योंकि बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। वो अलग बात है कि यहाँ ठंड काफ़ी है। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे बच्चे मिले बहुत सारे, ये देखो। और ये रहा हमारा कुतुब मीनार जो कि काफ़ी सुंदर है। मैं फर्स्ट टाइम नहीं आई, पहले भी आ चुकी हूँ बट बहुत पहले आई थी तो इसलिए याद नहीं है। तो आप देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कुतुब मीनार। और यहाँ पर बहुत सारी जगह है, पता नहीं कौन से किले बने पड़े हैं, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आए हैं और हम भी उन्हीं में से एक हैं। तो आप देख रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है कुतुब मीनार। और इसी के साथ अब हम अपनी घूमना कंटिन्यू रखेंगे। ट्यूशन के बच्चे छूटे बंदी कर रहे हैं, ये देखो ये दोनों। और ये रही, ये फ्री फोकट में आ गई है, पैसे रहते नहीं है जेब में। ऐसा है जिसके बाद अभी तक आप सुन रहे थे, ये कुछ भी बोलता है इसमें दिमाग डाली इसे हम गलती से लिया है, इसका आने का कोई प्लान नहीं था, पैसा दिया पूरा जब। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, देख रहे हैं कुतुब मीनार क्या है, क्या चीज़ है, कुछ समझ तो आनी ना, लेकिन हम चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कैसे क्या बन रहा है। तो ये था पूरा कुतुब मीनार जो कि हमने ऑलमोस्ट घूम लिया पूरा पूरा। तो अब इसी के साथ अब हम समझते समझते थोड़ा थोड़ा वापस जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह पर। तो इसी के साथ अब हम आ चुके हैं अपनी दूसरी लोकेशन पर, वो थी आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी। अब हम इसमें घूमने वाले हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है और मैं आपको भी दिखाती रहूँगी तो इसमें क्या क्या है। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ अब हम आ चुके हैं अंदर और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि ऑलमोस्ट हैंडमेड है। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग मूर्तियाँ थी और हमने काफ़ी इन्जॉय किया, यहाँ पे बहुत मज़ा आया हमें। यहाँ पर सिर्फ मूर्तियाँ नहीं कह सकते, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। मैंने खूब इन्जॉय किया, आप बताने आपने इन्जॉय किया कि नहीं किया कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा व्लॉग कैसा लगा? और इसी के साथ अब हम एक गेट से निकलकर बाहर आ चुके हैं, अब हम दूसरी जगह पर जाएंगे, इट मीन्स कि सेकंड डोर में के अंदर जाएंगे कि उसमें क्या है और तब पता चलेगा कि उसमें क्या है। तो जब तक बने रहें, देखते हैं फिर उसमें क्या है। तो इस रूम में था कि किस तरह, हमें मूवी दिखाई गई थी कि किस तरह पहले के ज़माने में टॉय बनाए जाते थे, वो भी लकड़ी के। तो 4 मिनट की मूवी थी बट यहाँ पर 1.5 घंटा हमारा वेस्ट नहीं हो सकती, मतलब 1.5 घंटा हम बैठे रहे और बहुत सारी बातें हमें सीखने के लिए मिली। अब इसी के साथ अब हम जा रहे हैं थर्ड रूम के अंदर, अब उसमें देखना होगा कि इसमें क्या है। तो हमने रूम के अंदर एंट्री कर दी है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर ज़्यादातर कपड़ों की बनावट थी कि किस तरह कपड़े बनाए गए थे, हाथ से पहले बनाई होती थी ना, तो वही सब यहाँ पर देखने को मिला था हमें।
तो ये सभी कपड़े कैसे बनते थे, ये सभी कपड़े यहाँ पर लगे हुए थे और ये भी हमने काफी बहुत कुछ देख लिया। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे। तो इसी के साथ अब हम आ चुके हैं बाहर, और अब हम बाहर देखते हैं कि ये पता नहीं क्या लगा हुआ है। अब हमें नेक्स्ट रूम में जाना होगा, उसमें देखना होगा क्या है। तो हम नेक्स्ट रूम में गए थे तो वहाँ पर देखे कि वहाँ पर ज़्यादातर वाइट कपड़े ज़्यादा थे और वो भी हाथ से बने हुए थे, तो बहुत अच्छा था वहाँ का भी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, यहाँ पर ज़्यादातर वाइट कपड़े लगे हुए थे, और मतलब वाइट कपड़े ज़्यादा होते, और यहाँ पर किसी भी कपड़े को छूना अलाउड नहीं था। तो हम दूर से ही देख कर आ गए, हमें क्या करना था। राजघाट स्टेप खाना खाने तो मार दी। अच्छा, तो हम आए दूसरी जगह, आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम, और यहाँ पे हमने खूब एंजॉय किया। हाँ, हमने पैसे नहीं दिए इसलिए, हमने पैसे दिए। हाँ, और यहाँ से अब हम नेक्स्ट जानेंगे खाने, पता नहीं कौन सा पाए जाएंगे। ध्यान से देखिए, साथ में को आदमी है, ये हमारे ग्रुप का सुपरस्टार। जूतों पे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, शक्ल पे कितना रुपए के जूते हैं, शक्ल पे खर्चा करना भूल गए भाई साहब। काफी मस्ती और बातें हो गई। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़े और आगे हमने नई नई चीजें देखी। तो एक और रूम था जो कि लास्ट रूम था, फिर इसमें हमने देखा तो इसमें भी वो मूर्तियां थी कि पहले कैसी मूर्ति बनाई जाती थी। तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह की काफ़ी मूर्तियाँ इस रूम में लगी हुई थी और हमने बहुत सारी मूर्तियाँ, नई नई मूर्तियाँ देखी, बहुत अच्छा लगा हमें। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वाली जगह पर जाएंगे इसी के अंदर। तो हम बाहर निकले तो हमने देखा कि यहाँ का सीन काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल विलेज वाली फीलिंग आ रही थी हमें। कठपुतली वो आती है दीवाली पे, जानजी माता जानते। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जानजी माता के दर्शन हुए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़े और आगे हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इनको देखने के बाद हमें बिल्कुल अपने गांव वाली फीलिंग आने लगी थी और हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। वो अलग बात है कि हम यहाँ पर अपना अपना घर ढूंढने लगे, लेकिन किसी को अपना घर नहीं पाया, तो किसी भी घर को अपना घर मानने लगे। बहुत इंजॉय किया यहाँ पर, मतलब पूरा टोटली बहुत इंजॉय भाई। और यूरी हमारी कोठी पुराने जमाने की हवेली, बस आज हमारी हेली पे। और ये ओ भाई, प्रेम की कोठी पागी। चंद्र अपना घर दिखा, पूरा यूरा यू वाला, यू वाला वो तो मेरा, प्राचीन कालीन माता यूरो मेरे घर पाओ भाई, फाइनली ये गुजरात गुजरात के ही। हाँ, तो मैं गुजराती तो हूँ, बोल के दिखाऊं ना बोलू। ओके, यहाँ दिल्ली नारायण दी थान बंगला
ओ भाई पागो मेरो घर पागो भाई घर पागो घर पागो घर पागो। और इसी के साथ घरों का सिलसिला भी खत्म होता हुआ चला गया, मतलब अब बस ये वाला सिलसिला भी खत्म है, फिर हम यहाँ से कहीं और दूसरी जगह पे जाएंगे। तभी एक कोठी और रह गई है साहिल की। चल जल्दी लाइन में, जय माई की आगे बढ़ते रहिए, जय माता दी करते रहिए, चलते रहे भगत जी चलते रहिए। तो इसी के साथ हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी भी खत्म होता हुआ, अब हम इससे भी बाहर जाएंगे और दूसरी नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे। का बोल रहे हो, हम आ गए राजघाट, ठीक है चलो, और राजघाट तीसरी जगह ना, तीसरी जगह आ गए वॉलंटियर सर कांग्रेस। और राजघाट के अंदर यहाँ पर मूवी दिखाई जाती है जिसमें गांधी जी के बारे में पहले बताया जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो गाइस अब हम आए हैं तीसरी जगह, हमारी तीसरी लोकेशन है चौथी, और ब्लॉग बनना पहला बार। अब हमने ब्लॉग स्टार्ट करा है क्योंकि वहां पे भाई चार्ज का फोन दे ले या पैसे, तो इस अब स्टार्ट कर रहे हैं। चलो एक साइड से ऊपर तक वीडियो, तो अब हम पहुंच चुके हैं, अब यहां खड़े हो जाओ बस बाकियों का अंदर। तो यह है राजघाट गांधी जी का स्मृति स्थल। और ये सामने जहाँ पर लोग खड़े हैं वहाँ पर है गांधी जी की समाधि। और यहाँ पर हम चले और फिर हमने ये देखा कि ये है राजघाट का सबसे सुंदर व्यू, एकदम पीसफुल जगह थी ये, बहुत अच्छी थी। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने रील बना ली। अब इसी के साथ मैं थोड़ा अपना फ्रंट व्यू लेती हुई और अपने बालों को संवारती हुई, क्या ही करूँ अब मैं। और अब हम आ चुके हैं इंडिया गेट जहाँ पर हम सब मिलकर करने वाले हैं लंच। तो अपना अपना सब लंच निकालेंगे फिर हम सारे खाएंगे मिलकर। और यहाँ पर ये साहिल भाई साहब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। तो क्रिसमस का दिन है ये तो सभी जानते हैं, तो यहाँ पर सेंटा क्लॉज तैयार हो रहे हैं, रेडी हो गए हैं सेंटा क्लॉज, और अभी हमको हाई करेंगे ये हेलो सेंटा क्लॉज की तरफ से। और ये इंडिया गेट पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, यहाँ पर हमेशा लोगों की भीड़ होती है, बट ऐसे सर्दियों में भी लोग आए हैं तो देख सकते हो आप। तो अब हम आ चुके हैं नेशनल वार मेमोरियल जो कि हमारी लास्ट प्लेस था घूमने के लिए, और काफ़ी देर भी हो चुकी थी तो हमें जल्दी घूमकर घर जाना था। तो हमने बहुत अच्छा व्यू देखा वार मेमोरियल का। मैं पहले सुबह के टाइम में गई थी तो इस बार मैं शाम के टाइम में गई और मैंने बहुत मज़ा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बस थोड़ा क्राउड ज़्यादा था। यहाँ का एक व्लॉग पहले बना चुकी हूँ इसलिए यहाँ का ज़्यादा सीन नहीं दिखाऊंगी, बट मेन मेन चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने इससे पहले एक व्लॉग डाला था उसमें मैंने इसका एक एक पार्ट दिखाया था, तो इस बार नहीं दिखाऊंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बिल्कुल रात हो चुकी है और ये नाइट व्यू मुझे सबसे प्यारा लगता है यहाँ का। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, ये जो लाइट लगे हुए हैं यहाँ पे लोगों के शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, एक एक ईंट पर एक एक नाम लिखा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कितने सारे नाम होंगे हमारे शहीदों के। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े और आगे हमने देखा तो और रात हो चुकी थी और बहुत अच्छा नाइट व्यू आ रहा था, तो फिर हमने काफ़ी सारी पिक क्लिक की, फिर बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पर, फिर इसी के साथ ज़्यादा टाइम हो गया और फिर हम थोड़ा और घूमकर अपने अपने घर चले गए। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग होने वाला है ख़त्म, और ये था मेरा आज का क्रिसमस डे स्पेशल व्लॉग जिसमें मैं एक भी जगह पर अच्छे से नहीं बना पाई है। तो मैं आपको भी दिख रहा होगा, मैं दिखा भी रही हूँ कि मैं कहीं पर भी अच्छे से व्लॉग नहीं बना पाई, बट कोई नहीं, जैसा तैसा एक व्लॉग तो बन ही गया मेरा, द लास्ट व्लॉग ऑफ द ईयर। दिस टाइम टू से बाय बाय 2022। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहें मेरे साथ स्वीटी खांगर व्लॉग।